हर किस्म के रूहानी जिसमानी मसाइल और वसाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें नहमद्लीम रसूल करीम अमा बदफाउजाजी बसमीम रमज़ानलमबारक की आठ तारीख का बहुत पुरसर एक अमल आपको बताऊँगा जो आपकी हाजात को पूरा करने के लिए तिर बहादफ़ हो जाएगा यानी हाजतें इंसान की तो कभी ख़त्म नहीं होती इंसान हाजतों के लिए हमेशा भागता है दुआएँ करता है एक हाजत पूरी होती है तो दूसरी हाजत आ जाती है दूसरी पूरी होती है तीसरी हाजत सामने आ जाती है लेकिन ये अमले मुजरब आपकी हाजात को पूरा करेगा आपकी दुआएँ अल्लाह के हजूर में मुस्तज़ाब होंगी दुआएँ कबूल होंगी आप हाथ उठाएँगे तो इन खाली वापस नहीं लौटेंगे अल्लाह इज़्ज़त से मनवा लेंगे अल्लाह से मांग लेंगे चूँकि मांगने का और अल्लाह से लेने का तरीक़ा और सलीका ये इंसान को आना चाहिए जिस इंसान को अल्लाह से लेने का मांगने का तरीक़ा आ गया तो गोया के वो इंसान जो है कभी महरूम नहीं रहेगा चूँकि अल्लाह के हजूर हाथ उठा कर मांगना ये इंसान अपनी आजज़ी का इज़हार करे अपने मांगने वाला होने का इजहार करे और अल्लाह से बार बार इल्तज़ा करे कि तू देने वाला है हम मांगने वाले हैं अब ये चीज़ का इजहार होना चाहिए कि कायनात में अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं अल्लाह के अलावा कोई हाजात पूरी करने वाला नहीं चूँकिया का ना व व्याया का नस्ताइीन ये चीज़ हमें दिखाती है ये चीज़ हमें बताती है कि अल्लाह देने वाला है बाकी कायनत सारी जो है उसकी मोहताज हैं अब मैं इतना मुख्तसर और इतना जामे आपको अमल दे रहा हूँ कि अगर आपने इस अमल को अख्तियार किया तो आपने सिर्फ़ एक दिन या रात में इसकी आठ रमज़ान को आपने मांग लिया तो अल्लाह आपकी वो दुआ जो आप चाह रहे हैं अल्लाह से जो हाजत अल्लाह से मांग रहे हैं जो आपके कल्ब में है आप लोगों के सामने बयान नहीं कर पाते बात इंसान इंसानों के सामने इजहार नहीं कर पाता लेकिन अल्लाह बिजातिस सदूर है दिलों के भेद जानता है तो वो अल्लाह आपको अता करेगा आप ज़बान से मांगें दिल के अंदर मांगें अल्लाह आपको अता करेगा और ये बहुत ख़ास अमल है बहुत ख़ास चीज़ है कि याद रखिए अल्लाह तबारक व कुरान पाक का ख़ुलासा शुरह के अंदर रखा है और पूरे शुर फातह का जो ख़ुलासा है अगर आप वो नोट करें तो आपको इस साहित करीमा में मिलेगा का व ईया का कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं अब इबादत अल्लाह के अलावा किसी की नहीं और मदद अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता ये यकीन अपना पहले मजबूत कर लें अपना सोच और अकीदा पहले रखें कि इबादत सर झुकाना सजदा करना रकू करना अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं और मेरी मुश्किल कुशाई हाजत रवाई दस्तगीरी अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता फिर आपने बैठ कर यकसुई से आपने इसको एक सौ चालीस बार पढ़ना है ईया का ना बुद्धू अया का नस्ताइन वन फोर्टी टाइम पढ़ के आपने दुआ करना है वन हंड्रेड फोर्टी टाइम पढ़ के दुआ करें और जो हाजत होगी अल्लाह आपकी पूरी करेगा और जब भी परेशान हो इसको पढ़ा करें अल्लाह आपकी दादरसी फरमाएगा व आखिर दावाना नमदल रब